हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप वी आर डूइंग वेल। सो गाइस, मैं अब अपने फिर से नए और वीडियो में आ गया हूँ। आज मैं अपने जो मेरा ये बीगल है उसका आज पहला बात है। सो मैं वो सारा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। सो जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कितना खुश है ये। डोंट नो इधर ही इज हैप्पी और नॉट, बट मेरे को खुशी लग रहा है। सो आर यू रेडी फॉर बात? बड़ी, आर यू रेडी फॉर बात? सो गाइस, जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे 3 बकेट्स रखी हुई हैं और एक टब रखा हुआ है, और ये है इसका शैम्पू और कंडीशनर, और ये है इसका फॉम, आप देख पा रहे होंगे। सो आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब मैंने इतने सारे ये बकेट्स क्यों रखे हैं यहाँ पे? इसका रीज़न ये है कि बेसिकली जो मेरे हाथ में टावल है, आप देख पा रहे हैं टावल, इस टावल की मदद से मैं इसको बात दूंगा। क्योंकि होता क्या है कि बात देते टाइम इसके सर में पानी नहीं जाना चाहिए, वो चीज़ इसके इसको बहुत केयरिंग तरीके से इसको बात देना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे आधा बकेट ये है पानी का, आधा बकेट ये है, आधा बकेट ये। सो मैं ग्रेजुअली एक टाइम में इससे साफ करूँगा, सेकंड टाइम में मैं इससे साफ करूँगा, थर्ड टाइम में इससे साफ करूँगा, कम्प्लीटली साफ इससे करूँगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है ताकि पानी गंदा ना रहे तौलिया पे, और जैसे जैसे मैं तौलिया भिगो के निचोड़ के इसको साफ सफाई करूँगा, वैसे वैसे मैं पानी चेंज करता रहूँगा। सो मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए 3 बकेट एक साथ यहाँ पर रखे हुए हैं। मैंने बड्डी को रख दिया है टप में, और ये बहुत शैतान है, देखो कितनी शैतानी पे उतरा हुआ है। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कर देता हूँ मैं अनलॉक, और इसको थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर में शैम्पू आपको देना है, एक एक बूंद, ज़्यादा नहीं, जैसे मैं आप देख पा रहे होंगे। और ये ध्यान रखना है आपको कि अच्छे से इस शैम्पू को फिर मैं पानी के जरिए इसको इसके बॉडी में पूरा इसको झाग निकालूंगा इसका। ये देखिए, इसको जो इसका मैंने शैम्पू जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगा, हिमालय का एरिना शैम्पू, जिसके बारे में मैं पहले की वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, और ये बहुत ही बढ़िया दमदार शैम्पू है। सब देखो कितने मज़े से ये कितने इत्मीनान के साथ बैठा हुआ है टप में। और ये देखिए आप, मतलब इसको पहले अच्छे से इसको ऐसे करके इसके जैसे बच्चे को नहलाते हैं ऐसे बिल्कुल नहलाना पड़ता है इसको। ये देख लीजिए गाइस कितना बढ़िया से ये देख लीजिए, ये थोड़ा शैतानी ज़रूर करेगा लेकिन इसको मैं पकड़ के रखा हुआ है, ये देख लीजिए, हम देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए, ये आप देख पा रहे हैं। सो गाइज, आप देख पा रहे होंगे ये कितने इत्मीनान के साथ खड़ा है। इन भाई साहब ने मेरा माइक जो है तोड़ दिया था, सो मैंने दोबारा से फिर अपना माइक इंसर्ट करके इन भाई साहब की मैं आपको धुलाई दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए, मतलब कितना मस्त होता है। आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक मैंने उसके सर में बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं डाला हुआ है, और मैं उसके अभी पूरे बॉडी की सफाई कर रहा हूँ। बेसिकली बॉडी का जो भी है, जो भी गंदगी उसकी बॉडी में है उसको साफ कर रहा हूँ। देख लीजिए, ये इसका स्टमक का पोर्शन है, यहाँ पे आपने यहाँ अंदर तक स्लोली स्लोली सारा अंदर तक आपने उसको अच्छे से बात कर। देखिए पंजों में बेसिकली क्या हो जाता है यहाँ पे, ये आप देख पा रहे होंगे इन जगहों में क्या होता है, ये इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पर गंदगी फंस जाती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है बीगल में, बीगल का किसी भी डॉग में, यहाँ पंजों में गंदगी फंसने के चलते यहाँ पर एलर्जी होने का डर रहता है। और जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया कि एलर्जी इनको खासकर बीगल को बहुत जल्दी पकड़ लेती है एलर्जी, तो इसको जितना हो सके अपना घर को साफ सुथरा रखना चाहिए आपको, और जितना हो सके इसकी साफ सफाई पे पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। जैसे इसकी इसका बात देना हो इसको, इसकी इसको इसका नील काटने हो, और जैसे जैसे कानों की सफाई बहुत मस्त है, लेकिन मैं यहाँ पे पानी से नहीं करने वाला कानों की सफाई, मैं कोई गीला कपड़ा लेके करूँगा थोड़ी देर बाद, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। एक बार ये
टब से बाहर भी गिर गए थे, फिसल गए लेकिन उनको हमने संभाल लिया। ये देखिए गाइस कितना झाग बन गया इसका, देखिए आप देख पा रहे होंगे। सो मैं इसके टेल को भी अगर ऊपर करूँ तो उसके टेल को भी दिखा दूँगा आपको। ये देखिए अभी तक मैंने इतना, मेरे को इसको कम से कम 5 से 7 मिनट का टाइम मैंने ले लिया है। अभी तक मैंने इसके सर में अभी तक बिल्कुल एक बूंद भी पानी डाला है, हाथ से ही पूरा नहलवाना है। आप ये मान के चलें कि भाई हार्ड ब्रश से नहलवाएंगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि इसकी थिन कोटिंग होती है इसकी, सो इसका कोटिंग जो है निकलने का खतरा होता है और इसको काफ़ी दर्द भी होता है। सो गाइस मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आप जितना अच्छे से मसल सकें हाथ से ही मसलें, कोई हार्ड ब्रश या कोई हार्ड चीज़ से ना मसलें। देख पा रहे होंगे आप कितना शैतान है, मतलब अक्रॉस द लिमिट शैतान है जी है। इसकी शैतानियाँ मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा, बहुत ही बड़ा वाला शैतान है। ये देखिए शक्ल से कैसा लग रहा है, चलो लगता तो कभी मासूम है कि मतलब ये कुछ करता ही नहीं है, हरकत नहीं इसके ना, बहुत बहुत बड़े वाली हरकतें होती हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने इससे पहले इसको शैम्पू से अच्छे से इसको रगड़ा था शैम्पू से, और अब मैंने क्या किया है, ये जो टॉवल मेरे पास है इस टॉवल को मैंने ऐसे भिगोया और इसको मैंने हल्के से निचोड़ा ऐसे करके, ठीक है जी। ऐसे करके निचोड़ने के बाद मैंने इसको वन टाइम मैंने इसको जो है कि जितना भी झाग था वो हटा दिया है। ये मैं सेकेंड टाइम हटा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये पपी है, ये 5 महीने से नीचे का है। सो अभी मैं इसलिए आपको बताना चाहूँगा कि आपको उसमें पानी नहीं डालना है बेसिकली। सो मैं इसका देखिए इसका पूरा पेट वेट में अच्छे से इसको कर रहा हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे। और अब भी मैंने सर में उसका पानी नहीं डाला। अब मैं बताता हूँ प्रोसेस। अब मैं सेकंड बकेट में ये टॉवल डालूँगा और सेकंड बकेट में मैं इसको निचोड़ूँगा, और इसको निचोड़ने के बाद अब मैं इसके, क्योंकि आपको पता ही होगा सर में वैसे कोई खास गंदगी होती है नहीं, सो मैं इसी से ना ऐसे करके घुमा दूंगा इसको, टॉवल घुमा दूंगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मैं खासकर इसका जो है मुंह इस तरीके से वाइप करता रहता हूँ, तो ज़्यादा इशू है नहीं सर का। और कान में आप देख पा रहे होंगे क्योंकि इसके लंबे कान होते हैं, तो इसकी रेगुलर सफाई आपको कानों की करनी होती है रेगुलर। जैसे देखो आप यहाँ आराम से आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे, और यहाँ आराम से आपको ऐसे जो थंब जो है थंब को आराम से यहाँ पर रखना है इसके, और इसको आराम से ऐसे ऐसे करके, ज़्यादा हार्डली नहीं बिल्कुल सॉफ्टली आपको करना है, जेंटली आपको करना है ये सारी चीज़ें। आपको ध्यान रहे कि आपका, क्योंकि कान बहुत नाजुक चीज़ होती है, अकॉर्डिंगली मैं दूसरे कान की तरफ जाऊँगा। और जैसे कि सर्दी का टाइम है, मैं सोच रहा हूँ इसको ड्रायर से भी सुखाने का प्रोसेस आप कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली तीसरे टब में मैंने ये तौलिया डाल दिया है और ये फाइनल क्लीनिंग होगी इसकी। सो गाइस मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए ग्रेट टाइम अहेड, और मैं इस तरह की वीडियो फिर आगे भी लेता आऊँगा।